नमस्कार, क्रिकेट में इस यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। IPL 2019 में बहुत सी टीम ऐसी थी जिनके पास बहुत ही मजबूत टीम थी, उसके बाद भी वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई। वही कुछ टीम ऐसी थी जिन्होंने बीच में अपने कप्तान को बदल दिया, और कुछ टीम तो ऐसी थी जिनका प्रदर्शन 2018 की तरह ही रहा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि कुछ टीमों को एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि उनको अपने कैप्टन को चेंज करने की ज़रूरत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उन चार टीमों के बारे में जो 2020 में अपने कप्तान को चेंज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 120 लाइक्स का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग अभी तक तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो याद से दबा लीजिए। जो सबसे पहली टीम जो अपने कप्तान को चेंज करेगी वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 2019 में खतरनाक टीम थी जो मानो न मानो IPL का खिताब जीत सकती थी, लेकिन दिनेश कार्तिक के डिफेंसिव अप्रोच की वजह से, गलत बैटिंग लाइनअप की वजह से, रॉन्ग बॉलिंग डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं कोलकाता राइडर्स ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। जी हाँ, वो टीम जो IPL जीत सकती थी वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। ऐसे में अपने कप्तान को जो चेंज करेंगे, अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन निकल अभी सिर्फ दो ही प्लेयर्स अवेलेबल है, क्रिस लिन और एंड्रे रसेल, लेकिन ये दोनों प्लेयर सक्षम नहीं है कप्तानी करने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन से एक नए कप्तान को ढूंढ सकते हैं। वहीं नंबर टू में जो टीम अपने कप्तान को चेंज करेगी वो है सनराइज़ हैदराबाद की टीम। सनराइज़ हैदराबाद के लिए IPL 2019 में दो प्लेयर्स ने कप्तानी की थी। सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानी की, उसके बाद केन विलियमसन ने कप्तानी की। भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन एकदम अच्छा नहीं था। वहीं केन विलियमसन की बात करें तो केन विलियमसन को इंजरी हो गई थी, इसके वजह से वो टीम से बाहर अंदर होते रहे थे। वहीं अगर इस साल की बात करें तो इस साल आपको डेविड वार्नर इनके लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डेविड वार्नर फाइनली एलिजिबल है कप्तानी करने के लिए और यही 2020 में इनकी कप्तानी करने वाले हैं। वहीं तीसरी टीम जो अपने कप्तान को चेंज कर सकती है वो है किंग्सलैंड पंजाब की टीम। किंग्सलैंड पंजाब के लिए 2018 और 2019 एकदम सेम रहा। दोनों सीजन में किंग्सलैंड पंजाब ने स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया, लेकिन लास्ट में आते आते इनका प्रदर्शन पूरा गिर गया और इनका प्रदर्शन लगभग जीरो हो गया। अगर दो साल लगातार टीम ने खराब प्रदर्शन किया, इसका मतलब तो यही है कि टीम के मैनेजमेंट और कप्तान ने कहीं ना कहीं गलती की है, और इसी की वजह से रविचंद्र अश्विन पर वो तलवार लटक रही है और कहीं ना कहीं शायद रविचंद्र अश्विन को कप्तानी छोड़नी होगी। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन इनके सभी दो ही प्लेयर्स है, KL राहुल और क्रिस गेल, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं होंगे कप्तानी के लिए, और कहीं ना कहीं किंग्सलैंड पंजाब भी वो टीम है जो ऑक्शन में एक नया कप्तान ढूंढेगी। जो चौथी और जो आखिरी टीम है जो अपने कप्तान को चेंज करेगी वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। 2018 में स्टार्टिंग में अजिंक्य रहाणे ने इनकी कप्तानी की, और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के अंदर टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। उसके बाद BCCI के खिलाफ जाते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने कप्तान को चेंज किया और स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया, लेकिन अब तो स्टार्टिंग से स्टीव स्मिथ अब वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दो साल का जो उनके ऊपर बैन था कप्तानी का वो हट चुका है और वही कप्तानी करने वाले हैं। तो ये तो थी वो चार टीमें जो अपने कप्तान को चेंज करने वाली है, और कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए कि कौन से प्लेयर नया कप्तान बन सकता है। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।